हाय फ्रेंड्स, आज मैं सोया चाप स्टिक बनाने जा रही हूँ, दो तरह के, जिसके लिए सोयाबीन के बीज ली हूँ। बीज या फली जो भी बोल सकते हैं, जो इस तरह से होता है, ये बिल्कुल सूखा है। ओट्स ली हूँ, सोयाबीन की बड़ी है, आटा है और नमक है, और बेकिंग सोडा ली हूँ। अगर बेकिंग सोडा ना हो तो बेकिंग पाउडर भी आप यूज में ला सकती हैं। जिसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मिक्सी के जार में डाल करके पहले सबका पाउडर बना लेना है। पहले बारी बारी से सारे चीज को पीस लूंगी, उसके बाद इसे छान लूंगी। अभी छान लेते हैं सारा, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ा भी अगर दरदरा होगा तो वो निकल जाएगा। अभी मैं देखिए सारा मैं छान ली हूँ। ये सारे चीज दो दो चम्मच है। अभी मैं इसमें दो चम्मच भर करके आटा डाल देती हूँ, उसके बाद इसे गूंदूंगी। इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल देती हूँ और बिल्कुल वन पिंच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा है बेकिंग सोडा। अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। पहले एक का डो तैयार कर लूंगी, फिर दूसरा बनाऊंगी। इसको पहले बना करके रख देती हूँ। अभी पानी के सहारे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैं एक डो तैयार कर ली, बिल्कुल अच्छे से गूंद ली हूँ। बहुत लूज भी नहीं है तो बहुत टाइट भी नहीं है, बिल्कुल गूंद करके इसे मैं ढक के रख देती हूँ। अब मैं दूसरा सोया चाप स्टिक की तैयारी कर रही हूँ। इसको ढक के रखती हूँ साइड में। उसके लिए मैं ली हूँ ये सोयाबीन, सेम ही है पर वो ड्राई था और ये भिगोया हुआ है। ये समझिए कि एक दो घंटा के लिए पानी में मैं रख दी थी, तो ये बहुत अच्छे से बिल्कुल फूल गया है। और ये जो सोयाबीन की जो फली और बीज जो जिसे बोलते हैं, तो उसे भी मैं भिगो करके चार पांच घंटा के लिए भिगो दी थी, तो वो इस तरह से अच्छे से मतलब फूल गया। और इसे मैं पानी से निकाल करके हटा दी थी। और ये मैदा ली हूँ, हाफ कटोरी मैदा ली हूँ और नमक भी इसमें यूज करूंगी। तो अभी हाफ कटोरी मैदा है, वो जब जब इसका डो तैयार करेंगे तो उसमें देखेंगे कितना लगता है। अभी मैं इसे मिक्सी में सारे को सोयाबीन और सोयाबीन की फली को दोनों को पीस लेती हूँ। ये देखिए सोयाबीन की जो फली थी वो मैं बिल्कुल पानी इसमें थोड़ा भी नहीं डाली हूँ, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुक रुक के मिक्सी चलाई, तो ये बहुत अच्छा से ये पेस्ट तैयार हुआ है। और ये सोयाबीन का है, इसमें भी मैं पानी ऐड बिल्कुल नहीं की हूँ। इस तरह से बहुत अच्छे से ये पिस गया है, पर मिक्सी को कंटिन्यू ना चलाएं, वो बीच बीच में रुक करके चला मिला मिला करके फिर इसे पीसे, तो ये भी बहुत अच्छे से पिस जाएगा। और अभी मैं इसमें मिक्स करके नमक इसको इसमें डाल देती हूँ, और नमक डालूंगी और ये मैदा डाल करके एक डो तैयार करूंगी। मैं इसमें नमक डाल दी हूँ। अभी इसमें मैदा मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका मतलब एक बहुत अच्छा डो तैयार करना है, बिल्कुल ही अच्छा स्मूथ। इस तरह से मैदा मैं मिक्स करूंगी। ये देखिए ये भी डो तैयार हो गया बिल्कुल, और ये भी हो गया है। अभी मैं इसे बेल लेती हूँ, इसके एक एक लोए निकाल के मतलब पेड़े जैसा करके एक रोटी जैसी बनानी है। वो भी बहुत पतली नहीं बनानी है, बहुत मोटी नहीं। इस तरह से मैं बेल लेती हूँ, बीच बीच में मैदे से डस्टिंग करते जाएंगे, उसके बाद इसे बेल लेते हैं अच्छे से। इस तरह से पूरे अच्छे से मैं बेल ली हूँ, और इस तरह से थोड़े पतले पतले आराम से काट लूंगी। देखिए बहुत मोटी नहीं है, नॉर्मल है। इस तरह से देखिए, इस तरह से काट ली हूँ। और ये जो मैं सोयाबीन और सोया जो भी था, सोयाबीन और सोयाबीन की फली, मैं बिल्कुल पानी डाल के इसलिए नहीं पीसी क्योंकि मैदा ज्यादा ऐड होता है फिर उसमें, और फिर बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो थोड़ा गीला गीला होता है। तो कोशिश करें कि सोयाबीन को जब भिगोए तो भिगोने के बाद उसे बिल्कुल पानी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लें, तो और थोड़ा मिक्सी रुक रुक के आराम से पीसें, तो बहुत अच्छा आपका डो तैयार होगा उससे। तो इस तरह से सारे रोल इस तरह से बिल्कुल
इस तरह से तैयार कर लेते हैं सोया चाप स्टिक। इसमें फिर डबल एक और लेयर कर लेती हूँ। इस तरह से फिर ऐसे इस तरह से इसे दबा देंगे जिससे ये खुले नहीं और बाद में बिल्कुल अच्छा से इजली ये निकल जाता है। अगर आपके पास मान लीजिए कि स्टिक ना हो घर में अवेलेबल तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप चम्मच के थ्रू भी कर सकते हैं, ये चम्मच से भी हो जाएगा। अभी मैं इसमें भी उसी तरह से रोल करके आपको दिखाती हूँ बिल्कुल अच्छे से। इसमें इस तरह से बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करें कि टूटे ना ये, इस तरह से दबा देती। ये मैं आटे का ले ली हूँ, इसका जो डो है आटे से जो मैं बना रही हूँ, इसको भी उस तरह से ही रोटी की तरह बना के काट लेना है और फिर रोल कर लेना है। ये इसमें मैं मैदा इसलिए यूज नहीं की हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो मैदा नहीं खा पाते, तो उनके लिए है कि मैदा नहीं खा पाते, मगर आप पे सब कुछ खा सकते हैं मगर बनाने का तरीका अलग है। ये आटे से बनाइए, ओट से बनाइए तो हेल्दी भी है और अच्छा भी है। ये देखिए मैंने सारे स्टिक इस तरह से बना के रख लिए हैं। ये आटा और ओट्स का है और ये मैदे का है, जिसमें मतलब मैदा आपको कम से कम डालना है जितना हो सके। इसका जैसे सोयाबीन जब हम भिगोते हैं ना तो पानी बिल्कुल निचोड़ दीजिए और जितना कम से कम मैदा इसमें यूज हो। एक कटोरी सोयाबीन था, एक कटोरी सोयाबीन की फली थी बीज, और बिल्कुल 4 से 5 चम्मच ही मैदा लगा है। और ये आटा का है, इसको मैं अभी उबलते हुए पानी में इसको इस तरह से डाल दूंगी। और ये जब मैं स्टिक बना रही थी ना तो कभी जैसे 2 रोल में भी कर रही थी, कभी 3 रोल में डाल रही थी कि जिससे कुछ जैसे पतले जैसे लग रहे थे तो उसमें 3-3 पट्टी जो रोल बनाई थी वो 3-3 पट्टी करके इसमें की। देखिए कितनी अच्छे से हो गया है, बिल्कुल इस तरह से ऐसे कर दें ये फूलेगा नहीं। और ये चम्मच वाला भी डाल रही हूँ। चम्मच से सिर्फ ये होगा कि चम्मच आपका ऊपर नहीं आएगा, वो वजन के हिसाब से वो नीचे बैठा रहेगा, ये कुछ देर में अपने आप ऊपर आ जाएगा। और इसे बिल्कुल अभी चलाना नहीं है, इसे बस ऐसे ही बिल्कुल उबलने दीजिए फुल फ्लेम पे। ये देखिए ये अपने आप पानी में ऊपर आ गया है और इसे मैं अभी 10 से 15 मिनट तक इस तरह से बिल्कुल फुल फ्लेम पे यानी कि बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे इसे उबलने दूंगी। बीच में एक बार इसे इस तरह से पलट भी दे और पानी इसमें पूरा होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए इसमें। पंद्रह मिनट हो गया है, अब मैं इसे बिल्कुल बंद कर देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो गया है और इसे अगर आपको तुरंत बनाना हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर जैसे स्टोर करना हो तो इसको फिर सीधे इस बिल्कुल गर्म से बिल्कुल ठंडा जो बिल्कुल चिल्ड वाटर हो उसमें इसमें सारे डाल करके 1 से 2 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर इसे अगर आपको फ्रिज में रखना हो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, और फ्रीजर में चाहे तो एयर टाइट डब्बे में अच्छे से या जिपर बैग है उसमें डाल करके आप फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं। पर जब आपको फ्रिज या फ्रीजर से जब निकाल के बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि निकाल बनाने से 1-2 घंटा पहले निकाल लें, उसके बाद फिर थोड़ा सा मगर 1 से 2 मिनट तक इसे गुनगुना पानी में डाल करके थोड़ा गुनगुना पानी में बॉयल करने दें, जिससे क्या है कि बहुत ही फिर ये सॉफ्ट बनेगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड को, और कैसा लगता है वो भी आप हमें बताइए। थैंक यू। ये दो तरह का सोया चाप स्टिक बिल्कुल तैयार हो गया है, और जो मैं अभी रेसिपी अभी शेयर की हूँ यूट्यूब पे, तो मैं उसका जो आटे और ओट्स का बनाई थी उसका वीडियो शेयर की हूँ, जिसका नाम मलाई सोया चाप है, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा।